कुछ बात करेंगे भारतीय फौज के हवाले से। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के जिला शोपिया में सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। श्रीनगर में काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के जिला शोपिया में सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने दावा किया कि 4 अफराद मुकाबले के दौरान इनकाउंटर में मारे गए। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में नाम निहाद पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। इस मौके पर मुश्तरका हुर्रियत क़यादत की अपील पर इंतखाबी हलकों में मुकम्मल हड़ताल है। कुछ बात करेंगे सईद गनी के हवाले से। सईद गनी का कहना है कि सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए असल मसला तजावुजात का नहीं बल्कि फाइनेंस का है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए असल मसला तजावुजात का नहीं बल्कि फाइनेंस का है। जब तक वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सिंध असम्बली के अहाते में ज़राए बला खयामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। लोगों ने नालों और मार्केटों पर कब्जे कर रखे थे। सर्कुलर रेलवे से तजावुजात का खात्मा हमने माजी में शुरू किया था और मुतासरीन की रीसेटलमेंट की तैयारी की थी। सुमाई वजीर का कहना था कि रेलवे ने खुद लिखकर कहा कि जो जमीन सिंध हुकूमत खाली करवाएगी उसे फिलहाल महफूज रखने की रेलवे के पास इस्तेदात नहीं है, लिहाजा ये काम रेलवे ने खुद रुकवाया था। सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए असल मसला तजावुजात का नहीं बल्कि फाइनेंस का है। जब तक वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सईद गनी का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से जिन लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है उनके लिए मुतबादल का बंदोबस्त किया जा सके। नहीं, टाइम भी जो था बोलने का उसमें ज्यादा ऑपोजिशन बोल रहे हम सुनते रहे। जायका इस प्रोजेक्ट से आउट हो गई और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने जब चाइना का विजिट किया वजीर आजम के साथ, तो उस वक्त सर्कुलर रेलवे के इस प्रोजेक्ट को सीपेक में शामिल करवाया और ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है कि 2.7 अरब डॉलर का है। ये कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने जो ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है इसके साथ साथ जितनी इंक्रोचमेंट थी इसको रिमूव करने का काम शुरू किया था और बड़ी तेज़ी से शुरू किया था। पूरा एक सर्वे किया था और उसमें तकरीबन कोई 4,650 से ज़ायद जो हैं वो घर थे जो इसके रास्ते में आ रहे थे उनको वहाँ से उठाना था। उनकी रीसेटलमेंट के लिए बात की थी कि इनको दोबारा कहाँ पर हम जाकर आबाद करेंगे ताकि वो फैमिलीज उससे ज़्यादा मुतासर न हो सकें। लेकिन उस वक्त रेलवे ने सिंध हुकूमत को ये लिखा कि आप अपने इस ऑपरेशन को रोकें इसलिए कि जितनी ज़मीन आप खाली करवाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं और हम तैयार नहीं हैं। तो वो मरला जो था वो पाकिस्तान रेलवे की दरख्वास्त पर उस वक्त रोका गया। एक और इशू उसमें यह था कि ये जो 40 किलोमीटर से ज़ायद का ट्रैक है कराची कैंट से लेकर ड्रिग रोड स्टेशन तक, रेलवे का ये कहना था कि आप इसको एलिवेटेड लेकर जाएं इसलिए कि वो ML1 का एक इनका एक प्रोजेक्ट है वो उसको चलाना चाहते थे। हमारा ये मौक़िफ़ था कि चूंकि ये ओरिजिनल जो है वो ग्राउंड पर है इसको इसी तरह जाना चाहिए, जो ML1 का प्रोजेक्ट है उसको भले एलिवेटेड कर दें। तो उसकी बुनियाद पर भी पाकिस्तान रेलवे ने इसको डिले करवाया था। तो सिंध हुकूमत पहले भी इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रही थी। इस मरतबा अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहब ने ये अहकाम जारी किए हैं तो हम इस पर अमल करेंगे। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए सिर्फ इंक्रोचमेंट एक मसला नहीं है। इंक्रोचमेंट एक हिस्सा ज़रूर है, एक कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसकी फाइनेंसिस का है। और इसमें 3 फरीक हैं, सिंध गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है और चाइनीज़ गवर्नमेंट है जिन्होंने पैसा लगाना है। तो सिंध गवर्नमेंट तो अपने हिस्से का काम 2017 में भी कर रही थी, हम आज भी करेंगे, 2018 में भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से का जो काम है वो उनको करना चाहिए ताकि फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो 3 बड़ी कंपनीज उन्होंने दी हैं जिसमें चाइना रेल भी शामिल है वो आकर इसके अंदर 2.7 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर करें। तो ये अच्छी बात है कि जज साहब को
इस चीज़ का एहसास है कि कराची के लोगों के लिए सर्कुलर रेलवे शुरू होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट हम हटा भी लें तो सर्कुलर रेलवे ट्रेन नहीं चलेगी जब तक इसके अंदर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी और जब तक हम माहौल ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। इसमें अभी कमेटी एक बनाई है कमिश्नर साहब ने और जितने मुतासरीन हैं वो उस कमेटी के साथ बैठेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन लेजिटिमेट जो हैं वहाँ लोग थे जिनको हम तरजीह बुनियादों पर कहीं सेटल करें। हमारी कोशिश है, ये बाद में असम्बली में भी कह चुका हूँ, कि जो लोग मुतासर हुए हैं जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है हम उनको इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और मेरी मेयर कराची से भी बात हुई है, वो भी ऑन बोर्ड है, वो भी चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। तो मिलकर कहीं ना कहीं कराची में कोई ऐसी जगह ज़रूर तलाश करेंगे जिसमें इम्प्रेस मार्केट के लोग भी, लाइट हाउस में जो लोग थे वो भी, और अभी कई और जगहें हैं जहाँ से और लोगों को उठाया जाना है तो उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ताकि अपना रोजगार वो कर सकें। कुछ बात करेंगे, वजीर मुमलिकत का कहना है कि हमने मुल्क में बैन अलाक्वामी क्रिकेट वापस लानी है। वजीर मुमलिकत बराए दाखला शहरियार आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इस्लामाबाद में ड्राफ्टिंग हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लानी है, दुनिया को बता दिया है हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, कौमी सलामती के हवाले से हम मुल्क में बैन अलाक्वामी क्रिकेट वापस लाना है, हमने अक्वामे आलम को अपनी कुर्बानियों का बावर कराना है, पाकिस्तान तमाम इंसानियत के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। शहरियार आफरीदी का कहना था कि PSL बहुत आगे जाएगा, हमने नतीजा दिया है, हुकूमत PSL को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। वो क्रिकेट जो कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसती है, खून में दौड़ती है ये क्रिकेट, PSL का ड्राफ्ट यहाँ इस्लामाबाद में होना एक और बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। और मैं ये आपको बावर कराना चाहूँ कि इस गवर्नमेंट का अल्टीमेट प्लान क्या है, ख़ासकर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट वापस फुल टाइम पाकिस्तान लानी है इंशाल्लाह। उसके लिए तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हों, चाहे वो वनडे मैचेस हों, T20 हों, इंटरनेशनल क्रिकेट इस्लामाबाद पाकिस्तान में अब वापस इसलिए आ जानी चाहिए कि हमने रिजल्ट्स दिए हैं, हमने मैसिव लेवल पर सेक्रीफाइसेस के बाद आज दुनिया को हम बताना चाह रहे हैं कि वी आर कॉम्पिटेंट एंड क्रेडिबल इनफ, वी कैन डू द नीडफुल इन अ थॉरो प्रोफेशनल मैनर इंशाल्लाह। और इन द एंड मैं आपको ये बावर कराना चाहूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए कि जो PSL के लेवल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये जो इनिशिएटिव है, इट विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे, सच इवेंट्स दे आर द नीड ऑफ द आवर, एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर इंटायर टीम, एंड लेट मी अश्योर यू गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू ऑल आउट, और ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए। अल्लाह इस मुल्क को ताक़यामत सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ बात करेंगे बच्चों के आलमी दिन के हवाले से, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन 20 नवंबर को मनाया जा रहा है। रोशन चेहरे, चमकती आंखें और खुशियों से भरपूर मुस्कुराते बच्चे घर भर की जान होते हैं, घर के आंगनों के उन्हें जुगनू के लिए इन 20 नवंबर का दिन जो है मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन 20 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए आगाही पैदा करना है। रोशन चेहरे, चमकती आंखें और खुशियों से भरपूर मुस्कुराते बच्चे घर भर की जान होते हैं, घर के आंगनों के उन्हीं जुगनुओं के लिए 20 नवंबर का दिन उनके नाम किया गया है। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 1989 में बच्चों के मंजूर शुदा हुकूक का ऐलान किया था, जिसकी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत मुल्की सतह पर आज 20 नवंबर का दिन बच्चों की खुशियों का दिन है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, सैर व तफरी, जहनी और जिस्मानी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है, ताकि बच्चे मुस्तकबिल में मुआशरे के बेहतरीन शहरी बन सकें। कुछ बात करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर दफ्तर खारजा ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके गैर जरूरी और बेबुनियाद इल्जामात पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर दफ्तर खारजा ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके गैर जरूरी और बेबुनियाद इल्जामात पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने एहतजाजी मरासला अमरीकी नाज़िमुल उमूर सफीर पॉल जॉन्स के हवाले किया।
ترجمان کے مطابق مراسلے میں پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات پر سخت احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے امریکی صدر کی حالیہ ٹویٹس پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ القاعدہ کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، ان تمام اقدامات کے باوجود اس قسم کے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس موقع پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ہماری کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کچھ بات کریں گے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں، پاکستان کے کردار کی اہمیت اور ایک مرتبہ پھر تسلیم کی گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور دونوں ملکوں کے باہمی عسکری تعلقات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے، عسکری تعلقات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سخت رد عمل پر امریکہ کا رویہ نرم پڑ گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کے کردار کی اہمیت ایک مرتبہ پھر تسلیم کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی اور دونوں ملکوں کے باہمی عسکری تعلقات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ افغانستان کے تنازع میں پینٹاگون نے پاکستان کی تعریف کی پالیسی برقرار رکھی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات مشترکہ ہیں اور افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی اہمیت مسلم اور اس کا کردار کلیدی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف عرض سرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اربوں ڈالرز دینے کے باوجود پاکستان نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے الزام دھرتے ہوئے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد میں رہائش کے حوالے سے پاکستانی حکام مکمل آگاہ تھے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا امریکی صدر کو تاریخی حقائق یاد کروائیں، پاکستان کو صرف 20 ارب ڈالر دے کر ترخوا دیا گیا جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان 123 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور 1 لاکھ کے قریب انسانی جانوں کی قربانی دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی او پی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی۔